नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि दिए गए ताप पर किसी गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है अर्थात P proportional to D। दोस्तों बता दें कि ये केमिस्ट्री कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। दोस्तों आपको मालूम होगा आदर्श गैस समीकरण किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता भी दे रहा हूं। देखिए आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। अब दोस्तों बता दें कि इसमें जो P है वो क्या है, गैस पर लगने वाला दाब है, V क्या है किसी गैस का आयतन है, और n क्या है गैस के मोलों की संख्या है, R क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और T क्या है परम ताप है, ठीक है। ये कैसे आया है अभी मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ कि ये कैसे डेरिवेट होता है, ठीक है। तो नहीं तो फिर अगले वीडियो हम लोग देख लेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि अवस्था समीकरण का उपयोग करते हुए, मतलब जो द्रव की अवस्था लेसन है ना, द्रव की अवस्था में आपको कौन सा अवस्था समीकरण मिला था उसी का प्रयोग करके इसमें प्रूफ करना है कि गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए आपका आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर एक हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए इसी में क्या कर सकते हैं, आप इसी को घनत्व के फार्मूले में बदलना है आपको, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका क्या, आप लिख सकते हैं एन अपान वी लिख सकते हैं, एन अपान वी लिख सकते हैं, मतलब एन को इधर कर दीजिए और पी को उधर कर दीजिए। एन को इधर ले आएंगे, एन इधर गुणा में है, सॉरी छोड़ दीजिए, V को इधर ले आइए, V को जब इधर ले आएंगे तो n अपान V हो जाएगा, ठीक है। और RT को इधर भेज दीजिए, जब RT को भेजेंगे इधर तो इधर P है, हो जाएगा RT। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, बड़े ही आसानी से पक्षांतर करके सिर्फ, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया समीकरण नंबर दो। अब देखिए इसमें n जो है, n का मान क्या होता है, n मतलब मोलों की संख्या है, और जब आप पहले लेसन को पढ़े थे परिचय वाले में या मूल अवधारणा वाले में, तो आपको मिला था कि n जो मोलों की संख्या वो निकलती कैसे है, भार बटे अणु भार। भार मतलब क्या, ग्राम में होता है, मतलब वो भी एक तरह का मास है, ठीक है। तो मास अपान मोलर मास, मतलब ये है आणविक द्रव्यमान, ये हो गया भार हम कह सकते हैं, और ये हो गया उसका अणु भार, ठीक है। आपको अगर नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए कि किसी भी गैस के मोलों की संख्या कैसे निकलती है, जब उसका भार रखते हैं फिर अपान अणु भार करते हैं तो आ जाती है, ठीक है। ये देखिए हो गया समीकरण नंबर तीन आपका। अब जो समीकरण नंबर तीन है ना, इसमें जो n का मान है वो यहाँ पे रख दीजिए, समीकरण दो में लिख सकते हैं कि समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर तब क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल m अपान कैपिटल m, और देखिए v पहले से है तो v हो जाएगा यहाँ पर, अब ये बराबर हो जाएगा p और rt, p और rt, ठीक है। आप समझ रहे होंगे सारी बातों को, ये हो गया आपका समीकरण नंबर चार। अब देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, कक्षा 9 में ही आपको पढ़ाया गया होगा, घनत्व तो क्या होता है, तो घनत्व तो को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, इसलिए घनत्व तो को डी से दिखाया जाता है, और घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन वी। देखिए यम अपान वी, यम क्या है मास है, वी क्या है वॉल्यूम है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये हो गया आपका समीकरण नंबर पांच। अब देखिए डी का मान या समीकरण पांच का मान आप समीकरण चार में रख दें, तो आपको यहां पर जो यम दिख रहा है, यहां पे जो वी दिख रहा है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब डी कहां लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिखेंगे, डी अपान कैपिटल यम बराबर इधर क्या है, पी अपान आर टी है, पी अपान आर टी है, ये आपको मिल गया समीकरण नंबर छह मिल गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण छह को आप करेक्शन करेंगे थोड़ा सा, तब आपको क्या मिल जाएगा, डी है यम को उधर भेज देंगे तो डी इधर है बराबर इधर, जब यम चला जाएगा इधर कुछ नहीं बचेगा, केवल डी बचा, यम उधर गया तो हो जाएगा यम, और फिर हो जाएगा आर टी, और फिर ये हो जाएगा पी, पी कहाँ रहेगा, ऊपर, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अलग कर देते हैं, अलग करने का राज है, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या राज है। देखिए ये हो गया आपका यम अपान आर टी, मतलब यम क्या है, यम क्या है, यम बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब क्या है, मोलर मास है, कॉन्स्टेंट टी होता है, मोलर मास है। किसी भी गैस की बात करेंगे ना तो उसका एक अपना निश्चित आणविक द्रव्यमान होता है, ठीक है, या मोलर मास होता है, ठीक है, अणुभार होता है, आप अणुभार करके समझ सकते हैं, ये कांस्टेंट होगा। आर क्या है, ये भी कांस्टेंट होता है, मतलब इसका मान आप आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल होता है, ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट होता है। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब कि परम ताप है, और परम ताप का मान होता है क्या, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, इसका मान क्या होता है, 0.0821 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल, इसका मान क्या होगा, ये भी फिक्स होगा, ठीक है, मतलब किसी भी गैस का होगा, जिस गैस का होगा, अलग अलग गैसों का अलग अलग होता है, ये भी फिक्स होगा। अब देखिए ये वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट, और हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का नियम है कि जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है, इस कांस्टेंट को हटा के प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग लगा सकते हैं,
तो डी बचा पी बचा, इनको हटा के प्रोपोर्शनल लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा डी प्रोपोर्शनल टू पी। डी फॉर क्या हो गया, घनत्व, घनत्व हो गया। पी क्या है, ये समानुपाती हो गया, और पी क्या है, प्रेशर मतलब दाब हो गया। तो इस प्रकार से आपको मिल गया कि घनत्व समानुपाती दाब, मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः सिद्ध है कि, सिद्ध है कि किसी भी गैस का घनत्व उसके दाब के समानुपाती होता है। तो दोस्तों आप, आशा करता हूं मैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बता दें कि ये हमारी वीडियो नंबर 7 के बाद 8 है, और इसके पहले लगभग 6-7 वीडियो गई हुई हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो वीडियो को जरूर देखिएगा, सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे भी मिलते हैं, ठीक है, अगली वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।